नमस्कार और आदाब, आज से नीचे रहे अक्टूबर के 27 तारीख से 1 अक्टूबर के लिए पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। मोटरगाड़ी हादसा हर हफ्ता होता है और हम आपको बताते हैं कितने लोगों के देहांत होते हैं यातायात में। इस हफ्ता भी ऐसा कुछ हुआ है। 68 साल अख्तनसेस्तख यार का सुकली यी सोमवार को क्लिपस्टेनस्त्रात में एक हादसा हुआ है। एक फ्रख्त वाहन जाकर इनसे टकराई है और वहीं पर इनके देहांत हो गया है। यह फ्रख्त वाहन शोफ्योर जो है ये बताते हैं कि ये इनको नहीं देखे, ये रास्ता पार कर रही थी, ये स्त्री जो है रास्ता पार कर रही थी, वो इनको नहीं देखे और जाकर इनसे टकराए हैं। इनके सर पर काफ़ी चोट लगे थे और वहीं पर इसका देहांत हो गया है। पुलिस ने ये 37 साल का सैफ नंदर तहियार फ्रख्त वाहन बस्तूदर के बयान लिए, इनको पुलिस स्टेशन लोग ले गए हैं। इनके बयान सुनने के बाद इन्हें वापस फिर घर भेजा गया। इनके पास एक हेल्थ खराब वैस था लेकिन पुलिस ले लिए है और लाश जो है इस स्त्री का ये ऑब्डक्सी के वास्ते सेक्सी के वास्ते कब्जे में भी लिया गया है। ये इस साल के वास्ते त्वयन सस्तख्स फरकेश दौदे है। द्रियन सस्तख्स फरकेश दौदे जो है यातायात में जिनके देहांत हुआ है, ये एक हादसा हुआ है इलाका निकेरी में। वीरेस बुद्धू ये द्रियन सस्तख्स फरकेश दौदे है। ये 24 साल का एक ब्रॉमफिक्सर सोमवार को मुंगरा मेडिस सेंट्रम MMC निकेरी में इनका देहांत हो गया है। इससे 2 दिन पहले इसका हादसा हुआ था। ये हादसा हुआ है पराबीर सिंह वह निकेरी में। ये ब्रॉमफिक्स पर था और SVM सुरीनाम से बात लाइनिंग माचकापे के आसपास मुमकिन बहुत तेजी से ब्रॉमफिक्स चलाई है और एक ड्रम्पल पर ये कंट्रोल खो दिए है, वो सड़क पर गिर गया और इनके सर पर काफ़ी चोट आई थी। इसके वजह से इन्हें लोग दाखिल किए थे MMC में मुंगरा मेडिस सेंटर में। 2 दिन बाद इसके देहांत हो गया है और ये द्रियन सस्तख्त फरकेश दौदे है। लाश जो है ये परिवार को दी गई है अंत्येष्टि क्रिया के वास्ते। अल्कमीन ब्यूरो फॉर द स्टैटिस्टिक ABS ये सब खोजबीन किए हैं इन्फ्लासी सेफर पर। ये खोजबीन से पता चला है कि इन्फ्लासी सेफर अगर देखा जाए पिछले साल सितंबर 2017 में और इस साल 2018 में, तो इन्फ्लासी सेफर 5.5% है। ये ABS के सेफर से पता चलता है अल्कमीन ब्यूरो फॉर द स्टैटिस्टिक का। 316 आइटम्स पर लोग खोजबीन किए, मतलब इसका दाम लोग देखे हैं और ये कंज्यूमेंट इंडेक्स का हिस्सा जो है आइटम से जो CPI यानी CPI कंज्यूमेंट इंडेक्स में आते हैं जितने सामान, इसमें से 316 आइटम्स जो है इसका दाम लोग देखे हैं और एक फ्रखलाइकिंग लोग किए हैं। ये जो खोजबीन हुआ है सितंबर के 3 तारीख और सितंबर के 28 तारीख के बीच। ये अगर दाम देखा जाए, हम आपको बता चुके, तो सितंबर 2017 और सितंबर 2018 अगर फर्खलाइक किया जाए तो ये इन्फ्लेशन सेफर 5.5% है। ये खोजबीन हुआ है, प्रेस ऑफनामस हुआ है परामारिबो में, वानिका निकेरी वाहरिंगन कोरोनी सरमाका कोमवेना और इलाका पारा में। तमाम स्कूल जो बंद थे और नामिबो में जो आग लगे थे धुआं के कारण, आग के कारण और जो वहां पर गंध थे, इसके वजह से 3 स्कूल जो बंद किया गया था, बंद हुआ था, वहाँ पर पढ़ाई जारी नहीं हुआ था। हाउटर्न के ये स्कूल जो है सोमवार को सरकार फैसला किए फिर से खोलने के वास्ते। बीते हुए शनिचर को एक दल हादसी वहाँ पर गए थे मामला देखने के वास्ते। इसमें देसी हंकर्स था, आगे में ओपन बार वर्कन का मिनिस्टर पैट्रिक पेंगल, जेरी स्लेनहार्ट जो NCCR का है, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर रामबन बहिर सिंह का, ब्रंटवेयर कमांडेंट राजन झकरी भी वहां पर मौजूद था। ये सब एक एफालिवाद से किए हैं और ये इतला किया गया था कि सोमवार से तमाम स्कूल फिर खोला जाता। आग जो है ये पूरी तरह से बुझाया गया है और बताने के बाद जरूर है कि ब्रंटवेयर अभी तक वहां एक हफ्ते तक मौजूद रहेगा देखने के वास्ते, समस्या पर निगाह डालने के वास्ते, लेकिन स्कूल खोला गया है सोमवार से। और ये जो देसी ओद्री हंकर से ये बताते हैं कि जितने लोग यहाँ पर काम किए हैं ब्रंटवेयर इत्यादि, ये सब काफ़ी काम किए, काफ़ी मेहनत किए हैं यह मामला सुलझाने के वास्ते। मामला फिर से ठीक हो गया है और स्कूल फिर से शुरू किया गया है। वैसे
ये भी बताया गया है कि यह आग जो 7 तारीख अक्टूबर से हुआ है, कुछ लोगों को काफ़ी लोगों के सेहत पर हानि हुआ है। बेओखी इस पर भी काम कर रहे हैं। ब्रंटवेयर का लोग जो वहां पर काम किए हैं, इसको लोगों का इलाज खोजबीन हो रहा है, इन लोगों का इलाज हो रहा है ये देखने के लिए कि इन लोगों का कोई हानि इससे हुआ है या नहीं। वैसे आग और धुआं जो गंध या ये कारण था, स्कूल वहाँ पर बंद किया गया था, लेकिन मामला फिर अब हल हो गया है और बेओखे यहाँ पर खोजबीन कर रहे हैं। मिनिस्ट्री फन फॉलक्स हुसून थे ने ये बताई है कि आसपास के जो जनता है यहाँ पर भी इन लोगों का इलाज चल रहा है। लोग खोजबीन करते हैं कि ये आग और ये धुआं के कारण इन लोगों के सेहत पर कोई असर हुआ है या नहीं। स्कूली बच्चों पर भी लोग इलाज इन लोगों को कर रहे हैं, खोजबीन हो रहा है। पुलिस कुछ बाउथ लॉन्स मारोवाना जो है कब्जे में लिए है, यामी इसे कहती है, और दो फर्स्ट फ्यूर वापन्स कब्जे में लिया गया है और यह नरकोटिका ब्रिखाद के जरिए मंगर को यह हुआ है। इसके अलावा भी कुछ पैसा पुलिस कब्जे में लिए है, एक हाउस विद्रा एक बहुत ही बड़ा रकम पुलिस कब्जे में लिए है। पुलिस जो है यह परमारिबो के एक मकान में डाका डाले है और वहाँ पर दो आदमी गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ पर लोग जब भीतर गए हैं तो ये दो आदमी गिरफ्तार हुए और साथ में ये नशीली दवा जो है, ये ड्रग्स जो है और ये बंदूक हथियार और पैसा कब्जे में लिया गया है। पुलिस ये बताते हैं कि इनके लिए मुमकिन था इन लोगों को पकड़ने के वास्ते, क्योंकि इसमें मदद इन लोगों को मिला है नरकोटिका ब्रिखाद का और डायरेक्टोरेट नेशनल फेयर खेत का। ये पुलिस के पब्लिक रिलेशंस की तरफ से खबर हमें मिला है। केंद्र 22 लाख का पैसा, पिछले हफ्ता हम आपको बताए थे कि केंद्र 22 लाख का पैसा चोरी हुआ है। पुलिस इस मामले में खोजबीन किया है और अब यह सामने आई है, यह पता चला है कि सुशाल सागन का जहां पर पैसा भरा जाता है, अमतनारन जो है दिनस्त एडमिनिस्ट्रेटिव अर्थ बतालिंगन सुशाल फोर्शिलिंगन का, मुमकिन इन लोगों का हाथ है इस चोरी में। दो हफ्ते पहले काफ़ी बड़ा रकम चोरी हुआ था केंद्र 22 लाख का, जो परमारिबो का पैसा था ये चोरी हुआ था। और दो जो जिस बस्ते में ये पैसा था, ये बस्ता जो है खाली लोग पाए है लेली दौरब इलाका वानिका में, ये बस्ता लोग वापस पाए है लेकिन ये पूरी तौर से खाली था, इसमें पैसा नहीं था। यहाँ के जो मजदूर है, मेड वर्कर्स जो है, मुमकिन इन लोगों का हाथ है, अभी तक साबित नहीं हुआ लेकिन खोजबीन चल रहा है और शक है कि यहाँ का मजदूर, ये एक इनसाइड जॉब है, यहाँ का मजदूर खुद ये चोरी किए है। यहाँ का जो लैरिंग खीफंद है, इस पर लोग शक नहीं करते हैं, कोई भी दरवाज़ा नहीं तोड़ा गया है और कितने पैसे के बाद है ये भी नहीं पता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वर्नेमन डायरेक्टर जो है ये जानकारी हमें नहीं दिए है, क्योंकि उनका कहना है कि पुलिस खोजबीन कर रहा है और पुलिस को वो मौका देना चाहते हैं पूरी तौर से ये खोजबीन करने के वास्ते। ये कितने पैसे के बात है इसलिए वो नहीं बता पाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे चेक्स लिखा गया है, पहले ये देखना है कितने चेक्स लोग लिखे हैं और इसके बाद पूरा रकम जो था ये चेक का जो पैसा, इसमें से निकाल कर ये देखा जाएगा कि कितना कैश पैसा, कितना नगद पैसा था यहाँ पर जो चोरी हुआ है। ये पैसा जो है ये बताती है यहाँ का जो डायरेक्टर सौमू कि ये अगर आगे में पैसा भरने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा केंद्र 22 लाख भरने के लिए, तो लोग कोलेखा फिनांस इनके पास जाएगा, कोलेखा मिनिस्टर फिनांस इनके पास लोग जाएगा, इनसे मांग करेंगे पैसा का बंदोबस्त करने के वास्ते। वैसे ये जब पैसा चोरी हुआ था तो शशाल साक ने अपने एक वैकेंट मार्किंग एक ऐलान बाहर लाए थे और लोगों से गुजारिश किए थे समस्या को समझने के लिए, तो लोग इस पर गौर किए हैं, क्योंकि सालमो ये बताते हैं कि अभी तक कोई नहीं आए हैं अपना केंद्र 22 लाख का पैसा का मांग करने के लिए, लेकिन कब तक लोग नहीं आएंगे ये वो नहीं बता सकते है, क्योंकि लोग तो ज़रूर आएंगे क्योंकि इस पर लोगों का हक है, तो अपना पैसा लेने के लिए लोग ज़रूर आएंगे। वैसे ज्यादा तौर पर इलाकाओं में पैसा भरा गया है, सिर्फ तपनहोनी और सिपालीवीरी में अभी केंद्र 22 लाख का पैसा लोगों को भरना चाहिए। यह पैसा चोरी नहीं हुआ है, यह पैसा है लोगों को भरने के लिए, क्योंकि यह पैसा बैंक पर था।
NDP का पार्लियामेंटेरियन केशव प्रसाद गंगाराम पांडे बीफे को ये अपने बयान में कुछ ऐसे बातें कहे जिससे काफी लोग असेंबली में पंचघर में इस पर गुस्सा हुए हैं। हौसले खवैल के बारे में बातचीत हो रहा था। खवैल यानी हिंसा जो हो रहे हैं घरों में, खासतौर पर औरतों पर जो अत्याचार होते हैं, न सिर्फ खेसलक और लेकिन लिखामलक, न सिर्फ लिखामलक लेकिन खेसलक भी, न सिर्फ शारीरिक तौर पर लेकिन मानसिक तौर पर इन लोगों पर जो अत्याचार होते हैं, इस बारे में बातचीत हो रहा था। केशव प्रसाद गंगाराम पांडे का ये कहना था कि जो ये खवैल जो हिंसा होते, जो अत्याचार औरतों पर होते हैं, इसमें ज़्यादा तौर पर इसका कसूरवार औरतें होते हैं। इस बात को सुनकर काफ़ी लोग हैरान हुए हैं और लोग एकदम इस पर कटास करना चाहा, लेकिन फोरशेतर जो असेंबली पार्लियामेंट का है, इनको अपने बात कहने दिया है और इनसे ये कहे है, जब ये कहे कि औरतों खुद इसके लिए जिम्मेवार है, तो फोरशेतर इन्हें रोकना चाहा, लेकिन केशव प्रसाद का ये कहना हुआ कि फोरशेतर आप सिर्फ ऐसा कहते हैं औरतों को बचाने के वास्ते, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। केशव ने कहा कि इनके पास काफ़ी जानकारी है, प्रत्येक का जानकारी है, क्योंकि इस बात से वो वाकिफ है, वो पुलिस में थे और ये जानकारी इनके पास है। तो इस पर येनिफर सिमोंस जो है काफ़ी गुस्से में आए हैं और उन्होंने कहा है कि किस तजुर्बा, किस अरफारिंग के बारे में, प्रत्येक अरफारिंग के बारे में आप बात करते हैं, हमें भी ये तजुर्बा है, क्योंकि येनिफर सिमोंस जो है ये खुद हाउस आर्ट्स था 20 साल तक और ये कहते हैं कि इनके पास काफ़ी तजुर्बा है। न सिर्फ खवैल के बारे में लोग बात करते हैं, अत्याचार जो औरतों पर होते हैं, लेकिन हर एक जिस पर अत्याचार होते हैं, बच्चों पर, औरतों पर और भी मर्दों पर होते हैं, तो इस बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि किसी को भी हक नहीं है किसी के ऊपर हाथ उठाने के वास्ते। केशव प्रसाद ये कहते हैं कि ये जो मानसिक खेसलक खवैल जो है ये ख़ास तौर पर होते हैं पहले, और उसके बाद ये शारीरिक खवैल यानी ये जो खवैल थे जो हाथ उठाया जाता है औरतों पर, ये आते हैं। तो येनिफर सिमोंस ने ये कहा है कि अगर आपको कोई मानसिक तौर पर आप पर अत्याचार करे तो आप अपना आवाज़ उठा सकते हैं, इसलिए आपके पास मुंह है, आप बोल सकते हैं, आप हाथ उठा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, लेकिन हाथ उठाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। येनिफर सिमोंस ये भी कहते हैं कि ज़्यादा तौर पर घरों में लोग बच्चों पर हाथ उठाते हैं और ये लगता है लोगों को कि ये आम बात है बच्चों पर हाथ उठाते, इसलिए औरतों भी हाथ उठाया जाता है। यह मामला के बारे में बातचीत हुआ है जब कुछ हफ्ते पहले एक स्त्री का कत्ल हुआ है, एक एनपीएस का जो लेट था, इस पर लोग इनका कत्ल हुआ है इनके पार्टनर के जरिए, इनके जीवन साथी के जरिए इसका कत्ल हुआ है, तो इस बारे में पंचघर में लोग बात किए हैं। येनिफर सिमोंस कहते हैं कि वो बिल्कुल गंगाराम पांडे के बातों से सहमत नहीं है और इसके बाद एनडीपी का फ्रक्सी लेडर अंद्रे मिसिकाबा और एनपीएस का फोरशेतर ग्रेगरी रुसलान भी कहा है कि ये सहमत नहीं है केशव प्रसाद गंगाराम पांडे के बारे में। किसी भी तरह के जुल्म किसी पर करना ये बिल्कुल गुनाह है और ये बिल्कुल मना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे सिमोंस कहते हैं कि इस मामले के बारे में वो चाहते हैं और अंद्रे मिसिकाबा और ग्रेगरी रुसलान भी कहे कि डीएनआ में, पंचघर में लोग कोई ख़ास कदम उठाया जाए, कोई फैसला सुनाए जाए, कोई ऐसा वैत आए कि ये सब आगे में नहीं होगा। सुरीनाम देश में ये काफ़ी होता है और केशव प्रसाद से वो ये कहा है कि वो ये बातें अपने प्रत्येक अरफारिंग से नहीं कहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्टन इसके बारे में खोजबीन हुआ है और इसी आधार पर वो कहते हैं कि ऐसा जुल्म होता है, अत्याचार होते हैं औरतों और बच्चों पर और मर्दों पर भी होते हैं, ये ज़रूर कहने की बात है, लेकिन ज़्यादा तौर पर औरतों पर होते हैं। वैसे उस पर किसी पर भी हाथ उठाना ये बिल्कुल मना है, इस बारे में बातचीत हुआ है और बाकी के लोग औरतें थे डीएनआ में, ये बिल्कुल सहमत थे डीएनआ का फोरशेतर सिमोंस से। वैसे
पार्लियामेंटारियर VHP का पार्लियामेंटारियर कृष्णा मथुरा ने कहे हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि KPS में कॉर्प्स पुलिसी सूरीनाम के पास जो सिपाही लोग होते हैं और जिसके पास अगर किसी पर अत्याचार होते हैं, कोई आप पर हमला करते हैं तो सबसे पहले आप पुलिस के पास जाते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि पुलिस के लोगों का विचार जो है ये केशव प्रसाद गंगाराम पांडे से नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगर आप पुलिस के पास जाएंगे और पुलिस का ये कहना हुआ और ये मानना हुआ कि इसमें आपके खुद का गलती है तो किसी को पुलिस के पास मदद नहीं मिलेगा। यैनिफर सिमोंस ये भी कहा है कि अगर कोई छोटा कपड़ा पहन कर सड़क पर चलते हैं या कम कपड़े पहन कर एक स्त्री रास्तों पर चलते हैं बाहर आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर आप अत्याचार कर सकते हैं, इस पर आप हाथ उठा सकते हैं या इसका आप बलात्कारी कर सकते हैं, आपको इससे दूर रहना चाहिए। वैसे ये भी मथुरा ने कहा है कि जो लोग मदद जिन लोगों को मदद देना चाहिए पुलिस के लोग जिन्हें लोगों को मदद देना चाहिए वो उम्मीद करते हैं कि इन लोगों का ख्याल जो है ये केशव प्रसाद से नहीं मिलते जुलते हैं। मथुरा जो पेशतर भी कमिश्नर फन पुलिसी था। मार्लोन ब्रांडो ये पूरी तौर से तैयार है शैलेंद्र गिरजा सिंह की जगह लेने को पंचघर में। गिरजा सिंह जिनका देहांत 8 तारीख अक्टूबर को हुआ है, इसके बाद कैंडिडेट लिस्ट पर जो था मार्लोन ब्रांडो का नाम, तो अब मार्लोन ब्रांडो ये इसके जगह लेने वाले हैं और वो कहते हैं कमोवेन का पार्लियामेंटारियर वो बनेगा कि कमोवेन के लिए वो अपना आवाज उठाने वाले हैं और काम करने वाले हैं। वैसे शैलेंद्र गिरजा सिंह हमेशा कमवैन के लिए भी काम किए हैं और अपना आवाज़ उठाए हैं और ऐसा ये अब भी करने वाले हैं। एक इंटरव्यू में वो बताई है कि वो यूनिवर्सिटी का नहीं है लेकिन वो अपना आवाज़ ज़रूर उठाएंगे अपने इलाका के वास्ते। इसके पार्लियामेंट में आने से अगर बवेल खिंग हो जाएगा जिसके इंतज़ार में ब्रांडो का इस वक्त है तो VHP का आंदा स्टेटस जो है 9 थे ये 8 हो जाएगा और NPS का सीटल्स 2 से 3 हो जाएगा, मतलब NPS को 3 सीटल्स हो जाएगा पंचघर में। वैसे बुद्ध का ये कॉमवेन के वास्ते काम करेगा और ये खास तौर पर चाहते हैं ड्रिंक वाटर प्रॉब्लम जो पीने के पानी का मुश्किलात है कमताई है कॉमवेन में, इस पर वो अपना आवाज़ उठाएंगे, इस पर वो काम करेंगे और एक बेतोन आनमेर स्टेहर इसको आना चाहिए कॉमवेन में, इसके वास्ते भी वो काम करने वाले हैं। ग्रेगरी रोसलन जो NPS का फोर्सेटर है इन्हें ये भरोसा है, उन्हें यकीन है कि मार्लोन बुद्ध का जो है इनके फ्रक्सी जो है NPS फ्रक्सी पार्लियामेंट में इसको और मजबूत बनाएंगे। ब्रांडो ये 25 साल से एक एडवोकेट कंटोर में काम करते हैं, वो क्लैरिक है वहाँ पर। वैसे ये दूरवाटर्स अपलाइडिंग भी किए हैं लेकिन अभी तक इनका टूलाटिंग नहीं हुआ है, ये दूरवाटर का काम नहीं करते हैं। बवेल हिंग के बाद इसका टूलाटिंग होगा देना में। पुलिस 31 साल का आदमी प्रशांत बे को गिरफ्तार किए हैं, अरेस्टेड सी टीम जो है इसको गिरफ्तार किए हैं। इनके पास फ्यूर वापन्स यानी हथियार और म्यूनिसी जो है बरामद हुए हैं। फोर लिफ्टिंग पुलिस का ये बताते हैं कि ये सब डाका डाले हैं क्वाता के एक मकान में और वहाँ पर अरेस्टेड सी टीम और डायरेक्टोरेट नेशनल फैल खेत के मदद के साथ ये आदमी गिरफ्तार हुए है। ये कैपिटल डिलेक्टन जो पुलिस का अफडेलिंग है इस मामले में आगे खोजबीन कर रहा है और इसमें ये 30 साल का आदमी प्रशांत एर गिरफ्तार हुआ है, ये पुलिस के हिरासत में है। सोमवार अक्टूबर के 29 तारीख मानदह 29 अक्टूबर को क्राइस्ट रात का सिटिंग जो है बुरखर कामर में जारी होगा 8 दिसंबर स्ट्रफ प्रोसेस के सिलसिले में। जो वकील है उन लोगों को मौका रहेगा अपने क्लियंट के बचाव में बातचीत करने के वास्ते, अपने इन लोगों के बचाव में बयान देने के लिए वकील जो है ये सब बात कर सकते हैं और जो फरदख्तन है यानी जिन लोगों पर इल्ज़ाम है ये सब भी अपना आखिरी बयान में कुछ कह सकते हैं, अपने बचाव में जो कुछ कहना चाहते हैं ये सब कह सकते हैं। अगले दिन 30 तारीख अक्टूबर को मिलिटेर कामर में
sitting jari hoga. Burger Kamer me is wacht is desh ka president Daisy Boutische, aur saath me Jamie Stolak aur Asian Borefein in logo ko saza sunaya jayega. Ye Burger Kamer me baithak lete hai Burger Rechters Cynthia Falstein Montnor jo president hai aur Rechters Susanna Shu aur Revita Chatterpal Boutische aur Borefein ke khilaf auditor militair Roy Elgin 20 saal ke qaid ka saza ka mang ki hai 20 yaar cell straf ka wo mang kiye hai aur Elgin ne Stolak ke waste freispraak ka mang kiye hai matlab inko riha karne ka wo mang kiye hai Militaire Kamer mein Elgin 12 tarikh October ko baat karne wale hai aur ye sitting jo hai ya 12 tarikh October ko ye sitting hota lekin ye taal di gayi hai 30 October tak to Kreisraad ye 30 October ke jo taal diye hai 30 October ko ye sitting jo 12 tarikh October ka tha ye jari hoga Openbaar Ministerie jo hai ye जो वकील अपने बयान में कहे हैं इस पर वो अपना रिएक्शन देने वाले हैं बात करने वाले प्लेडोई देने वाले हैं इस बर्गर कामर में या मिलिटरी कामर में रेक्टर्स जो है फाल्स्टेन मोंटनर प्रेसिडेंट और मिलिटरी रेक्टर्स रहेगा माइक कूपर और कार्लोस लिफो शू सेटिंग्स दाखन सोमवार और मंगर को मतलब जिस दिन ये मुकदमा रहेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि वोल्फिंगस्ट्रैट जो है ये यातायात फरकेर के लिए बंद रहेगा सुबह 6 बजे से तो जो लोग इन रास्तों का इस्तेमाल करेंगे आप लोगों से गुजारिश है इस पर गौर करने को कि सोमवार और मंगर को वोल्फिंगस्ट्रैट सुबह 6 बजे से यातायात फरकेर के वास्ते बंद रहेगा फरकेर जो है ये हैंक आरोन से जो आती है ये सब वोल्फिंगस्ट्रैट में जो जाना चाहते हैं सिर्फ आप नहीं जा पाएंगे वोल्फिंगस्ट्रैट में और रोसेफेल्ट कादर जिन लोगों को जाना है वहां पर सिर्फ बस्टेमिंग्स फरकेर जिसको वहां पर होना जरूरी है सिर्फ उन लोगों को मौका दी जाएगी वहां पर जाने के लिए या वहां से गुजरने के वास्ते अगर ये सेटिंग खत्म हो जाएगा सेटिंग के बाद फिर ये रास्ते खोला जाएगा पूरा यातायात के वास्ते और ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में शुक्रिया नमस्कार और खुदा हाफिज़